ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय हनुमान। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एन अक्षर से नाम शुरू होने वाले जातकों का। 1 फरवरी से लेकर 3 फरवरी 2022 तक का समय कैसा रहने वाला है? इस समय चंद्रमा वृश्चिक राशि और धनु राशि में गोचर करेंगे, यानी कि चंद्रमा आपके अष्टम और नवम भाव में गोचर करेंगे। सूर्य धनु राशि से बाहर निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल धनु राशि में रहेंगे। बुध पहले धनु में थे लेकिन बाद में मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु यानी कि बृहस्पति कुंभ राशि में गोचर करेंगे। शुक्र वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में आ जाएंगे। शनिदेव मकर राशि में रहेंगे, राहु वृष में रहेंगे और केतु वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। मेरे प्रिय दर्शक, यह था ग्रह गोचर का कुछ स्थिति। अब आइए हम ग्रह गोचर का मूल्यांकन करते हुए बात कर लेते हैं आपका भविष्य क्या कह रहा है। आप पाएंगे कि आप कितने ही अच्छे और सही सुझाव दें, कोई आपकी बात मानने को तैयार नहीं है। इससे आप काफ़ी निराश अनुभव करेंगे, लेकिन आपको यह अनुभव करने की ज़रूरत है कि आपके सुझाव तो बेशक अच्छे हैं, लेकिन आपका रवैया ऐसा है कि जैसे आप किसी पर कृपा कर रहे हैं, इसलिए लोग आपकी सलाह का उल्टा जवाब दे सकते हैं। खुद को और अपने रवैये में बदलाव लाए फिर बेहतर नतीजे मिलेंगे। आपका स्वास्थ्य के लिए लाभदायक और शारीरिक मेहनत वाला कार्यक्रम आपके लिए किस प्रकार फायदेमंद साबित हो रहा है, यह आपको अब दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अगर आप किसी डाइट कार्यक्रम का पालन कर रहे हैं तो आपको अपना वजन घटता बढ़ता दिखाई देगा, जैसे कि आप चाह रहे थे। आपका एक्सरसाइज कार्यक्रम भी बिल्कुल ठीक है और उससे हो रहा फ़ायदा भी आपको नज़र आएगा। इससे आपको और भी अच्छे परिणाम, नियमित रूप से अधिक शारीरिक मेहनत की प्रेरणा मिलेगी। इस सप्ताह किसी महत्वपूर्ण कार्य से मिलने वाली सफलता करीब होने के बावजूद भी आपकी ऊर्जा के स्तर में गिरावट दर्ज की जाएगी, क्योंकि इस समय आप खुद को ऊर्जावान रखने में सक्षम नहीं होंगे और इसके कारण आपको कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह संभव है कि व्यापार में आपको अच्छा मुनाफा हो, जिससे आप कोई बड़ा धन लाभ करने में सफल हो सकते हैं, परंतु पैसों की चकाचौंध के आगे आपको थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी। ऐसे में जल्दबाजी में आकर धन से जुड़ा कोई भी फैसला ना लें। खास तौर पर अहम आर्थिक सौदों में मोल भाव करते वक्त आपको थोड़ा समय निकालते हुए सही से सोच विचार करने की ज़रूरत होगी। इस सप्ताह किसी रिश्तेदार के द्वारा कोई मांगलिक आयोजन आपके परिवार के ध्यान का मुख्य केंद्र होगा। इसके साथ ही संभव है कि इस दौरान किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ से मिली आकस्मिक अच्छी खबर आपके पूरे परिवार के लिए खुशी के लम्हे लाएगी। शनि अपनी राशि में पंचम भाव में तथा बृहस्पति छठे भाव में स्थित है और इसी कारण यह सप्ताह उन सप्ताहों में से एक होगा जब आपके पास करियर में आगे बढ़ने के लिए काम की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन बावजूद इसके आप अपनी इच्छा अनुसार कार्यस्थल पर अपने विचार और योजना रखने में सफल नहीं होंगे, जिससे आपके अंदर कुछ दूसरी भावनाएं भी आ सकती है।
इससे आपको अपना ध्यान भ्रमित होने में भी निजात मिल सकेगा और आप इस परिणाम स्वरूप अपनी परीक्षा में सफलता की ओर बढ़ते दिखाई देंगे। आपको लगेगा कि आपका पुनर्जन्म हुआ है, अचानक कुछ गड़बड़ काम हो जाएगा, फिर वह अपने आप सही भी हो जाएगा। अब हम अपने वीडियो में विस्तार पूर्वक बात कर लेते हैं, आज आपका लव लाइफ और पारिवारिक संबंध कैसा रहेगा। तो सबसे पहले मेरे प्रिय दर्शकों, हमें आप लोगों से विनम्र निवेदन है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे, आपके जीवन से मिले, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दें और आप लोग हमें सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी उत्साह प्रदान करता है, उम्मीद है आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो आइए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आपके दिल दिमाग में एक साथ बहुत से विपरीत भावनाएं चल रही है। वास्तव में आपके लिए एक से अधिक रोमांटिक पार्टनरों में से किसी एक को चुनना बहुत मुश्किल हो रहा है। हालांकि इसका जवाब बिल्कुल स्पष्ट ही है, फिर भी आपको कई बार अलग अलग भावनाएं अपनी तरफ खींचेंगी, इसलिए इस समय अपनी लव लाइफ के बारे में कोई भी बड़ा फैसला ना ले। आइए अब हम बात कर लेते हैं, आपका धन का लाभ होगा या धन की हानि होगी, आपका करियर कैसा रहेगा धन संबंधी। आपका मन अभी आनंद और प्रेम की तरफ भाग रहा है, हालांकि इसके विपरीत आपका मन हमेशा कार्यों में उलझा रहता है, लेकिन यह ठीक है। काम से एक दिन की छुट्टी ले और अपने दिन का आनंद ले। ज़्यादा चिंता ना करें, क्योंकि आपको आनंद लेने और कार्य करने की सीमा ज्ञात है। कार्यस्थल पर प्रबंधन आपके काम से बहुत प्रभावित है और आपको पदोन्नति भी मिल सकती है। आपको अपना कठोर और मजाकिया दृष्टिकोण को बदलने की ज़रूरत है। बेहतर होगा कि आप लोगों की भावनाओं से संबंध स्थापित करें और साथ ही साथ यह जानने की भी कोशिश करें कि वह क्या चाहते हैं और कौन सा रास्ता उन्होंने अपनाया है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको समझना होगा कि चीज़ें कैसे कार्य कर रही है, बजाय कि आप अपना तरीका अपने सहकर्मियों पर थोपे। तो दोस्तों, आइए हम बात कर लेते हैं, आपके लिए मेरा क्या सुविचार है, इसे आप मोटिवेशन शब्द भी कह सकते हैं। सुंदरता हो ना हो, सादगी होनी चाहिए। सुंदरता हो ना हो, सादगी होनी चाहिए। खुशबू हो ना हो, महक होनी चाहिए। खुशबू हो ना हो, महक होनी चाहिए। रिश्ता हो ना हो, बंदगी होनी चाहिए। रिश्ता हो ना हो, बंदगी होनी चाहिए। मुलाकातें हो ना हो, बातें होती रहनी चाहिए। मुलाकातें हो ना हो, बातें होती रहनी चाहिए। यूं तो उलझे हैं सभी अपनी अपनी उलझनों में, पर सुलझाने की कोशिश हमेशा होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए। आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी हो, जीवन का सही आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। घर में सोफा सेट हो, डिनर सेट हो, टीवी सेट हो, मेकअप सेट हो, पर माइंड सेट ना हो तो आप कहीं भी सेट नहीं हो सकते। इसलिए दोस्तों, यह चीज़ याद रखिए, अगर आपके पास धन हो ना हो, यह आपके जीवन के आनंद को ख़राब नहीं कर सकता। अगर आपकी मानसिक स्थिति सही हो, आप मेहनत करना जानते हो, तो आर्थिक स्थिति आप धीरे धीरे अपने आप फिर दोबारा ठीक कर लेंगे। घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं हो, पर लोगों की नज़रिया सही नहीं हो, दूसरों को गलत नज़र से देखें, तो कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सब कुछ होने के बावजूद जो ज़मीन से जुड़े होते हैं, दूसरों को सम्मान देना जानते हैं, वही लोग आगे बढ़ते हैं और वही लोग ही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। मेरे प्रिय दर्शक,
उम्मीद है आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें और आप लोग हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। हम मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। आपका यह पूरा दिन शुभ हो और काफ़ी मंगलमय हो। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं।